जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी में द्वीप समूह को। अभी तक जितना हम कवर कर चुके हैं, इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें जो द्वीप समूह, और द्वीप समूह के बाद अभी तक जितनी क्लास हुई है सबका रिवीजन लेके आएंगे पीपीटी के माध्यम से। उसमें कई सारे आपके वन लाइनर फैक्ट भी रहेंगे, उनको भी कवर किया जाएगा। कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, सब एक ही क्लास में आपका जितना अभी तक हम लेके आए हैं उनका सभी का रिवीजन आपको मिल जाएगा इसी क्लास के बाद। ये जो है भारतीय, जो भारत का भौतिक विभाजन था, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन देख लेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो ये द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, तो द्वीप कहते किसे हैं? तो द्वीप क्या रहता है? तो द्वीप है कि भूमि का वह भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। अगर ये छोटा रहेगा तो इसे द्वीप कहेंगे, और ये आकार में अगर बहुत बड़ा रहेगा तो इसे महाद्वीप कहेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं द्वीप की, और इसमें आप लोगों को बता दें कि दो तरीके से, दो भागों में बटा हुआ है भारत में जो द्वीप समूह है। इसमें पहला जो है वो अंडमान निकोबार में, और दूसरा जो है वो अरब सागर में। इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके क्या क्या नाम हैं और कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है भारत का मानचित्र, और इसके माध्यम से हम देखेंगे द्वीप समूह के बारे में। रिवीजन की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो कुछ फैक्ट रहते हैं क्लास के दौरान अगर छूट भी जाते हैं तो उनको भी कवर किया जाएगा उन्हें भी। तो अब हम लोग द्वीप समूह देखते हैं, तो दो तरीके से बटे हुए हैं। एक जो है यहाँ पे रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा रहेगा लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो यहाँ पे लक्षद्वीप रहेगा, और ये है अंडमान निकोबार। देखिए इसके बाद कुछ यहाँ पर इन तटों पे कुछ छोटे छोटे द्वीप, इनको हम पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाएंगे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट मैप में दिखाई देना चाहिए, एक रफली मैप है इस कारण से। बाकी एक है मजूली द्वीप जो एक नदी द्वीप है, मजूली किस राज्य में है? तो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में मजूली द्वीप असम राज्य में स्थित है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, असम राज्य में स्थित है। ये एक नदी द्वीप है, नदी द्वीप, और आज तक के पूरे विश्व में इससे बड़ा नदी द्वीप कहीं नहीं है। यही असम राज्य का जो मजूली द्वीप है यही सबसे बड़ा है, और ये इतना बड़ा है कि इसे एक जिला घोषित किया गया है। तो आकार में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसी कारण से इसे एक जिला घोषित किया है। और इसके बाद हम लोगों को अब एक केवल एक ही है, तो इसके बारे में इतनी बातें याद रखिएगा किस राज्य में है, किस नदी पर है। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। देखिए अंडमान द्वीप समूह, और यहाँ पर ये जो हमने आपको बताया था पूर्वांचल जिसे अराकान योमा की पहाड़ी कहते हैं, इसी पहाड़ी का ये भाग माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें चार
चार भाग, मतलब कि चार अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है अंडमान, और तीन अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है निकोबार। तो अंडमान के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो चार अलग अलग भागों में टूटा है। नाम है इसका नॉर्थ अंडमान, और फिर ये रहेगा आपका मिडिल अंडमान, और ये है साउथ अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। इस तरीके से चार अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इसमें से जो सबसे बड़ा है वो है मिडिल अंडमान। नाम इसका मिडिल है लेकिन यही सबसे बड़ा है, सभी द्वीप समूहों में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मिडिल अंडमान है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर है कोको द्वीप, कोको चैनल, इसका नाम है कोको चैनल। म्यांमार जब आप देखेंगे तो म्यांमार के सबसे निचले भाग पे यहाँ पे है कोको द्वीप, और इसके बीच में है एक कोको चैनल, ठीक ना। तो नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल है, और यहाँ पर आपको याद रखना है इसी अंडमान में एक बैरन द्वीप है जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है कि वहाँ पे हमेशा जो है मैग्मा निकलता रहता है, और यहीं पर जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी रहती है, और ये जो है आपकी बैरन जो द्वीप है यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है उस पीक का नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक, और इसको याद कैसे रखेंगे, तो सैंडल थोड़ी सी ऊंची रहती है तो उससे आप याद कर सकते हैं सैंडल पीक, ठीक ना। अभी एक जो है मतलब इसी में बता देते हैं, जैसे कमेंट्स आया था कि जियोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक ना। ये मतलब दो चार दिन से हम मतलब बताने वाले थे लेकिन बीच में क्लास चल नहीं रही थी तो हमने बताया नहीं, लेकिन जियोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए वो डाउट था, इसी में से किसी ने पूछा है। तो आपको बता दें कि इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जैसे जब जो है आप लोग देखते हैं आज हिंदी सिनेमा के जगत में कई लोग जो है जो गाने वगैरह गाते हैं तो कहते हैं कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो इसका मतलब है कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बताएंगे कि नहीं हम मौसम की तरह नहीं जलवायु की तरह हैं जो अगर बदलेगी भी तो कम से कम 35 साल में। तो एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा ये है कि उसमें भी एक चीज़ बताया जाता है, कई बार जो है कह देते हैं सब लोग जो भी मतलब बनाते हैं डायरेक्टर वगैरह कुछ भी करते हैं तो उसमें कहा गया है कि मतलब खुदा से कह रहे हैं कि अपने बादलों से कह दीजिए कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। उनको पता चलना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये जो है किसी यार के बरसने हंसने से नहीं बारिश होती बल्कि ये बादल बनते हैं हवा उड़ती है, तब जाके जियोग्राफी में ही मिलेगा। तो इन सभी कारणों से इसे पढ़ना चाहिए। साथ साथ जो एक मुख्य रीज़न है ये है कि जब तक आप भूगोल नहीं पढ़ेंगे तो आप मतलब जो भी आर्ट का सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री हो गया पॉलिटी हो गया मैपिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और मैपिंग आपको जियोग्राफी से ही मिलेगी। तो इसलिए ज़्यादा जियोग्राफी ज़रूरी है, और यही जो है आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखिए जहाँ जीएस है तो वहाँ जियोग्राफी रहेगा ही, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। आप जब उसे देखेंगे कई दिनों तक, अभी यही जो श्रृंखला चल रही है जिस दिन हम कह देंगे कंप्लीट हो गई है फिर आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन जो है कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम उठा के देखिए उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इसका हम 2 से 3 तरीके से रिवीजन करेंगे, जैसे अभी एक करने वाले हैं फिर बाद में जो एक आपके सामने आएगा कंप्लीट रिवीजन वो 12 से 15 घंटे की क्लास भले रहेगी लेकिन रिवीजन उसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये कई रीज़न रहते हैं तो काफ़ी दिन से उनका जो जवाब मतलब उस तरीके से दे नहीं सके तो ऐसे हमने कहा कि उनको बता देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पीक है सैंडल पीक, और यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। फिर ये ध्यान दीजिएगा आगे
तो यहाँ पे ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। और ये जो निकोबार में है, तो निकोबार में इसका नाम है कार निकोबार। इसका नाम है मध्य निकोबार या मिडिल निकोबार, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार या महान निकोबार, उसे ग्रेट ही लिखेगा हिंदी या अंग्रेजी दोनों में। ग्रेट निकोबार, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल बनता है। ये रहा आपका अंडमान में, और ये है सबसे नीचे जिसका नाम है लिटिल अंडमान, और यहाँ से निकोबार शुरू होता है, जिसमें ये है आपका कार निकोबार। तो इसके बीच में जो खाली जगह है, यहाँ से गुजरती है ये 10 डिग्री का जो अक्षांश है, यही गुजरता है, इसी को चैनल कहा जाता है, तो इसी का नाम है 10 डिग्री चैनल। इसी को 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, चैनल कुछ दूसरा नहीं है। जहाँ से 9 डिग्री 10 डिग्री का ये जो गुजरती है रेखाएं, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक। ये 10 डिग्री चैनल है, इसी में याद रखना है अंडमान निकोबार में। और सबसे जो इसमें बड़ा है वो मिडिल अंडमान है। और एक चीज याद रखिएगा कि इसकी सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो है यहाँ पे ग्रेट निकोबार में, और ग्रेट निकोबार में ही स्थित है इंदिरा पॉइंट। जब हम आपको भारत का ये बता रहे थे बेसिक के इसके परिचय के बारे में, तो इसमें हमने आपको बताया था इसमें एक है इंदिरा पॉइंट, और वो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इसी ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ये स्थित है ग्रेट निकोबार में। अब हम लोग देखते हैं इधर लक्षद्वीप की तरफ। तो अभी तक आप लोगों का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, इसमें इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी राजधानी, इसके बीच में कौन सा चैनल है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप को। तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है, और अरब सागर में ये लक्षद्वीप और मिनी कोए के नाम से जाना जाता है, इसे लक्षद्वीप कहते हैं और इसे मिनी कोए। इसके बीच में स्थित है, और नीचे एक देश है जिसे जानते हैं हम लोग मालदीव के नाम से। तो लक्षद्वीप और मिनी कोए जो इसे ये जो द्वीप है ये बना हुआ है प्रवाल से, प्रवाल से बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चट्टान नहीं है, प्रवालों के उन्हीं के जीवाश्म से ये बना हुआ है पूरी तरीके से। इसके चारों तरफ पानी है, और एक जो है प्रवाल है, और इसके बीच में जो है इस तरीके की संरचना बनी है, इसी को लक्षद्वीप द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोगों को देखना है यहाँ कोई हाईएस्ट पीक रहेगी नहीं, क्योंकि ये प्रवालों से बना हुआ है, कोई चोटी उस तरीके की यहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ लक्षद्वीप और मिनी कोए के बीच में 9 डिग्री का चैनल बनता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी कोए के बीच में, 9 डिग्री का चैनल, और मिनी कोए और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल बनता है, 8 डिग्री चैनल। इस चैनल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि किस जगह पे कौन सा चैनल बनता है। तो लक्षद्वीप और मिनी कोए के बीच में 9 डिग्री का, और मिनी कोए और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल बनता है। एक कोरल से बना, मतलब इसे प्रवाल से बना हुआ है, और यहाँ पे जितने भी प्रवाल रहते हैं, मतलब सभी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की चोटी नहीं मिलेगी, केवल सब प्रवाल हैं, और प्रवाल के चारों तरफ इस तरीके से जल घेरे हुए हैं, और इसी को जो है हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो
आपका पूरा इंडियन जियोग्राफी में जो भारत का भौतिक विभाजन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका रिवीजन देखेंगे, वो हो सकता है 1.5 से 2 घंटे तक की क्लास हो सकती है, लेकिन उसमें कंप्लीट रिवीजन रहेगा जितना आपका ये भारत का भौतिक विभाजन है। पीपीटी के माध्यम से रहेगा, क्योंकि जिसमें हम चाहते हैं कि जो भी आपके वन लाइनर फैक्ट वगैरह जो बहुविकल्पी क्वेश्चन सब कुछ एक में कवर हो जाए, इसलिए उसकी पीपीटी बन चुकी है, बस आपके सामने जो है वो रखा जाएगा। जल्द से हो सकता है कल या फिर परसों में आपके सामने वो आ जाए। फिर हम लोग आगे देखेंगे जो भारत का अफवाह तंत्र नदियों के बारे में, हर एक नदी को हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।